ट्वेल्थ पास कर ली, अब सोच रहे हो कि क्या करें, पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए। सीधी सी बात है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ट्वेल्थ के बाद आप कुछ करेंगे और कुछ क्यों करेंगे, सिंपल जॉब करना है, पैसा कमाना है जॉब पाने के लिए, ठीक है। तो आप टारगेट कीजिए जॉब, ठीक है ना। तो जॉब को आपने टारगेट किया और एक जॉब पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जॉब करना है ना। तो अभी हम यही लेके चल रहे हैं कि हम जॉब करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बिजनेस बिजनेस को अभी हम साइड में रखते हैं कि जो 90% लोग हैं वो लोग पढ़ाई करते हैं जॉब करने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, 12वीं के बाद कुछ ऐसा चूज करना है जिससे हमें जॉब आसानी से मिल जाए और हमारी लाइफ बड़ी ही सुकून से चले। तो जॉब पाने के लिए क्या चाहिए होता है, वेरी सिंपल, दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ डिग्री चाहिए होती है, दूसरी चीज़ होती है स्किल चाहिए होती है। बस अगर आपके पास डिग्री है, डिग्री वर्क्स एज ए टिकट उस इंटरव्यू में एंट्री करने के लिए, ठीक है। उसमें आपने एंट्री कर ली, उसके बाद वो लोग क्या चेक करते हैं, जो इंटरव्यूअर है वो क्या चेक करता है, वो आपकी स्किल चेक करता है। जहां आपके पास डिग्री है और आपके पास स्किल है तो आपके 100% सेलेक्ट होने के चांसेस हैं और आपको जॉब मिल जाएगा, सिंपल सोल्यूशन इज देयर। सो नाउ, सो जो मेरे दिमाग में आइडिया आया है वो ये आइडिया है कि देखिए, जैसे आप 12वीं करते हैं, आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। डिग्री के लिए कहाँ अप्लाई करें, आपके आसपास जहाँ भी मिलता है। नहीं, वहाँ नहीं करना, क्यों मैं बताता हूँ। आप क्या करो, डिग्री पाने के लिए आप जहाँ भी रहते हो, ठीक है, उसके आसपास नहीं, वहाँ से थोड़ा सा दूर सर्च करें। आपको ऐसे कॉलेजेस मिलेंगे, रेगुलर कॉलेज, ठीक है, मैं कॉरेस्पॉन्डेंस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर कॉलेजेस की। अपने आसपास के जो रिमोट एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पर आप ट्राई कीजिए। आपको ऐसे कॉलेजेस मिलेंगे जहाँ बच्चे बहुत कम होते हैं और वो लोग एडमिशन्स के लिए परेशान हो रहे होते हैं, उनके पास बच्चे ही नहीं होते। तो आप ऐसे कॉलेजेस में जाके एडमिशन ले लीजिए जहाँ पर आपको एक बार तो एडमिशन कराने जाना है और उसके बाद सीधा पेपर देने जाना होता है। पूरे साल आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग अटेंडेंस अपने आप मैनेज कर लेते हैं। वो काफ़ी गरीब कॉलेजेस होते हैं जिनके पास बच्चे नहीं होते अपना काम चलाने के लिए, उनको सिर्फ फीस चाहिए होती है, बाकी चीज़ें वो सब एडजस्ट कर देते हैं। तो आप जाएं एडमिशन लें और एडमिशन चार्जेस कुछ नहीं होते, जानते कितने होते हैं, 3,000 5,000, हद से ज़्यादा 8,000 रुपये, 10,000 से ज़्यादा नहीं होते हैं ऐसे कॉलेजेस के अंदर जो चार्जेस होते हैं। तो मान लीजिए 5,000 एक एवरेज लेके चलते हैं कि आपका 5,000 के आसपास आपका खर्चा हुआ। तो जाइए उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए और रोल नंबर वगैरह ले गए जो भी है आप आ जाइए, ठीक है। आईडी कार्ड आपको बना देंगे। आप जाइए ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन ले लीजिए, फिर जाइए आप एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेजेस में, ठीक है। उन कॉलेजेस में जब मार्च अप्रैल मई में जब भी एग्ज़ाम शेड्यूल होते हैं तो उस दौरान आपको जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप एडमिशन के टाइम पे जाएंगे और एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो मान के चलिए कि एक हफ्ता एडमिशन के लिए और एक महीना एग्ज़ाम देने के लिए, तो हर से ज़्यादा आपको ये 1.5 महीना आपका यूज़ हो गया, बाकी 10.5 महीने आपके पास फ्री हैं, ठीक है। तो एक साल में 10.5 महीने, दूसरे साल में 10.5 और तीसरे साल में 10.5 महीने, मान के चलिए कि 3 साल आपके पास हैं और डिग्री भी आपके पास है, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ टाइम है, ठीक है, ये जो बचा हुआ टाइम है आपके पास, ऑलमोस्ट 3 साल ही हैं, 2.5 3 साल, ठीक है, ये टाइम आपको मिल गया एक बोनस, ठीक है। इसमें आप क्या कीजिए, इसमें आप वो कोर्स कीजिए। अरे हाँ, मैं ये भूल गया कि आप डिग्री किस में करें, आप डिग्री करें सिंपल बीए में, बस, नो बीकॉम, नो बीएससी, नथिंग, जो इजी से इजी सब्जेक्ट आपको मिलते हैं ना उसमें कर लीजिए, ताकि आप पूरे साल बिल्कुल ना पढ़ें, वहाँ सिर्फ एक हफ्ते पढ़ाई करके वो एग्ज़ाम दे दें और आप पास हो जाएंगे, ठीक है। और आपके फ़ायदे के लिए एक और बता देता हूँ चीज़, कि ऐसे कॉलेजेस में जब एग्ज़ाम होते हैं तो थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाता है। तो टेंशन ना लें कि आप साल के एंड में जाएंगे और एग्ज़ाम देंगे और फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप जाएंगे साल के एंड में और इतने इजी सब्जेक्ट आपने चूज़ किए होंगे कि आप उनको अगर ना भी पढ़ें और सिर्फ कॉमन सेंस के बेस पे एग्ज़ाम दे देंगे तब भी आप पास हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम हो गए, पास हो गए, डिग्री भी आपके पास आ जाएगी 3 साल में। अब आपके पास जो बचे हैं 2.5 साल, इन 2.5 साल को आप यूज़ करें वो चीज़ सीखने में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, जो आप करना चाहते हैं उस चीज़ में। आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ मैकेनिक काम में आपका इंटरेस्ट है तो आप कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखें, ठीक है। और कोई सस्ते सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं वो ज्वाइन कर लें,
महंगे भी कर सकते हैं, आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है और आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पर ठीक है, तीसरा आजकल यूट्यूब अवेलेबल है, यूट्यूब से आप ढेरों वो चीज़ें कर सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट की हैं, ठीक है, और अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है जी, और आप कर सकते हैं इन 2-3 सालों में जॉब, जो आपका ड्रीम जॉब है बेसिकली, जो आप करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, आप उन कंपनीज में जाइए और अप्लाई कीजिए। उसमें घुसने के कई तरीके होते हैं, ठीक है, आप एंट्री लेवल के जो तरीका होता है उसके थ्रू घुस जाइए, या उस कंपनी में नहीं तो उसके जैसी कंपनीज के अंदर आप काम कर सकते हैं, ठीक है, कॉल सेंटर एजेंट बन सकते हैं, या फिर जो बेसिक एंट्री लेवल के काम होते हैं वो आप कर सकते हैं उस कंपनी में, नहीं तो उसके जैसी कंपनी में, ठीक है, तो वो काम आप कर सकते हैं। तो यू कैन हैव एन एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट लाइक 2.5 साल का एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं उस दौरान। अब क्या होगा, अब आपके पास उस काम में जिसमें आपका इंटरेस्ट था उसके सर्टिफिकेशंस आपने कर लिए, ठीक है, स्किल आपने अडॉप्ट कर ली, और फिर उसके बाद आपको मिल गया डिग्री सर्टिफिकेट भी, ठीक है, एक तरह से टिकट भी मिल गया। जब भी आपका स्किल और प्लस ये डिग्री, ये दोनों चीजें आपके पास आ गई, तो 3 साल के बाद आप एक फ्रेशर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। जैसे अभी आते हैं आप कैंपस में, जब हम जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए तो फ्रेशर्स को मुंह खोलना तक नहीं आता, अपनी ड्रीम्स या अपने काम की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप जो होंगे आपके पास डिग्री भी होगी और एक्सपीरियंस भी होगा, नाम आपका फ्रेशर होगा लेकिन आपके पास वो सब कुछ होगा जो एक काम करने के लिए जरूरी है, तो आपको मजबूरी वाली नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। फिर आप बिंदास होकर इंटरव्यू देंगे, हर इंटरव्यू बहुत ही कॉन्फिडेंटली देंगे और लगभग हर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन भी कंफर्म होगा, तो आप अपनी पसंद की जॉब कर सकते हैं और एक अच्छी और सुकून वाली जिंदगी जी सकते हैं। उम्मीद है आपको ये फंडा समझ आ गया होगा।